ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दर्पण फटाफट के प्रायोजक हैं टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगें अच्छे दिखें, और ऑस्पिशियस कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। वक्त हो चला है दर्पण फटाफट का, तो देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। आजम खान निजी काम करने के लिए सरकारी खजाने से धन खर्च करने के मामले में फंस गए हैं। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की शिकायत पर सरकार ने जल निगम के प्रबंध निदेशक को नियम के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में शुरुआत होते ही अली अनवर और शरद यादव की सदस्यता का मुद्दा गरमाया। इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर गुजरात चुनाव के दौरान पीएम मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों का स्पष्टीकरण मांगा, जिसके बाद ये सत्र 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अहम फैसला लेते हुए दिल्ली के सबसे बड़े न्यूरो अस्पताल जीबी पंत में 50% बेड दिल्ली के नागरिकों के लिए रिजर्व कर दिए हैं, जिसके बाद लगभग 750 बेड दिल्ली के नागरिकों के इलाज के लिए ही रिजर्व रहेंगे। दिल्ली के सीलमपुर में एक घर में लगी आग के कारण 70 साल के बुजुर्ग की जलकर मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खास बात यह है कि ये बुजुर्ग इस घर में अकेले ही रहते थे। गाजियाबाद में अकबरपुर बहरामपुर में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर बनाए गए फार्म हाउस, दुकान और फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलवाकर इन इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें निगम की इस कार्यवाही के बाद लगभग 150 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कर लिया गया है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में लव जिहाद में लड़की को धोखा देने का मामला सामने है। आपको बता दें ये लड़का 3 साल पहले लड़की से मिला था, जिसके बाद उसने लड़की को अपना एक धर्म बताकर शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद लड़की को पता चला कि लड़का शादीशुदा ही नहीं बल्कि 3 बच्चों का पिता भी है। बल्लभगढ़ के गांव में कुछ बदमाशों ने एक मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, लेकिन इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अक्षय कुमार की सैनिटरी पैड रेवोल्यूशन पर बनी फिल्म पैडमैन का ट्रेलर रिलीज हो गया। इस फिल्म में भी अक्षय कुमार टॉयलेट एक प्रेम कथा के किरदार की तरह ही नजर आ रहे हैं। इस फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म में महिलाओं की समस्याओं को दिखाने की कोशिश की गई है। ऑस्कर अवार्ड से भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन इस रेस से बाहर हो गई है। इस श्रेणी के सभी उम्मीदवारों की घोषणा 23 जनवरी को की जाएगी। टी10 लीग में मराठा अरेबियंस की कप्तानी कर रहे वीरेंद्र सहवाग ने बेहद ही खराब प्रदर्शन करते हुए पहले ही गेंद पर आउट होकर अपना अनचाहा रिकॉर्ड बना लिया, जिसके बाद उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल दर्पण फटाफट में इतना ही। अधिक खबरों की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दर्पण फटाफट को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर